इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई महीनों से सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ पेच अब सुलझने लगा है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में शामिल दल भी फॉर्मूले पर आगे बढ़ गए हैं। जल्द ही सीट शेयरिंग का प्लान भी शेयर किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी राहुल ने खुद फोन करके एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे से बातचीत की। गुरुवार को फोन पर हुई इस बातचीत में पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले, जिसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर सभी सहमत हुए। जिन सीटों पर पेच फंसा उस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभालने के बाद एमवीए के नेता भी एक्टिव हुए हैं। अब अंतिम चरण की बातचीत होना बाकी है। सूत्र बताते हैं कि एमवीए के नेताओं ने 27 और 28 फरवरी को एक बैठक करने का फैसला किया है। इस बैठक में उन सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी जिन पर इंडिया ब्लॉक में शामिल एक से ज्यादा पार्टियों की दावेदारी देखने को मिल रही है। इन अनसुलझी लोकसभा सीटों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 22 फरवरी को नहीं हो पाई थी बैठक। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस से कई प्रमुख नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत रुक गई थी। आगे की चर्चा के लिए 22 फरवरी को मुंबई में होने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गई थी। कहा जा रहा था कि 22 फरवरी को सीनियर नेताओं के बाहर होने के चलते बैठक नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 8 सीटों पर बातचीत अटकी पड़ी है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों इन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इन सीटों पर रामटेक, हिंगोली, जालना, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य, शिरडी, भिवंडी और वर्धा का नाम शामिल है। उद्धव गुट की 23 सीटों पर दावेदारी। कई सीटों पर एमवीए में दरार की चर्चा के बीच शिवसेना यूपीटी नेता और सांसद संजय राउत ने कहा, हम राज्य की 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें मुंबई की 4 सीटें शामिल हैं। सहयोगियों के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी गई हैं। राउत ने भरोसा जताया कि अगली बैठक में सहमति बन जाएगी। बता दें, इससे पहले यूपी में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली, वहीं दिल्ली में 7-3 का बंटवारा हुआ। हालांकि दिल्ली में इस बारे में औपचारिक घोषणा होना बाकी है। साथ ही पंजाब को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यहाँ दोनों दलों की स्थानीय यूनिट अलग अलग चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ टीएमसी मेघालय की तुरा सीट पर दावेदारी के पीछे 2019 चुनाव का हवाला दे रही है। वहाँ इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9%, बीजेपी का 13%, टीएमसी का 28% और एमएमपी का 40% रहा था। टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए।